सपना के पिता एक गरीब किसान थे। माँ पिता खेत में काम करते तो पीछे से सपना गांव के बच्चों के साथ हॉकी खेलती। एक दिन शाम को, सारा दिन खेलती रहती है, ये नहीं कि छोटे भाई को संभाले। माँ पता है, मैंने आज हॉकी में पास के गांव के लड़कों की टीम को हरा दिया। अरे वाह वाह मेरी बेटी सब्बास, ये ले कर रुपया, जा जाकर टॉफी खा ले। सपना खुशी से पिता के गले लग जाती है और बाहर चली जाती है। अरे तुम इसको बिगाड़ रहे हो, मैं ना इसकी शादी ही करा दूंगी। ऐसा कैसे शादी करा देगी, हाँ अभी तो उम्र खेलने की है। माँ बड़बड़ करती वहां से निकल जाती है। लेकिन शाम को उन लोगों के घर कुछ लोग आते हैं। अरे राम सुखिया, जरा ये तो बतलाओ सपना के बारे में क्या सोचा है? अरे क्या सोचना है मास्टर जी, पढ़ रही है, जितना पढ़ सकती है पढ़े, फिर शादी करवा देंगे, कोई अच्छा सा गांव का ही लड़का देख लेंगे। अरे तुम तो उसके पिता हो, तुमको कुछ नहीं पता? माँ घबरा जाती है। अरे का मास्टर जी, का पता नहीं, का हो गया, हम तो इनसे पहले ही बोल रहे थे कि लड़की की जात है, संभाल लो। अरे भाभी जी आप भी ना कभी अच्छा भी सोच लिया करो। अरे सपना क्या खेलती है हॉकी, बड़े से बड़े आदमी भी नहीं जीत पाते हैं उससे। कल गांव में एक टीम आ रही है, लड़कियों की हॉकी खेलने उसे भेज देना, वहां शायद कुछ बात बन जाए। अरे ना ना मास्टर जी, कोई खेल वेल नहीं करवाना हम लोगों को, वो भी शहर के लोगों के साथ तो बिल्कुल भी ना, शहर के लोगों को ना कोई भरोसा नहीं होता मास्टर जी। अरे कैसी बात कर रही हो सपना की माँ, बुरा आदमी तो हर जगह मिल जाएगा, उसके लिए शहर का और गांव का। हाँ हाँ मास्टर जी, हम लोग तैयार है, कल आ जाएगी सपना वक्त से। माँ के लाख मना करने पर भी पिता सपना को हॉकी टीम के लिए भेज देते हैं। शाम को सपना वापस आती है लेकिन लटके मुंह से। और क्या हो गया, मार खाई हो का? कौन मारेगा हमें, कोई मार वार खाकर नहीं आए। अरे फिर सकल पर 12 क्यों बजे हैं बताओगी? देखो माँ, आप समझोगी नहीं, बताकर फायदा क्या है? अरे बिटिया रानी, हम तो समझेंगे ना, हमें ही बता दे। सपना पापा के गले लग जाती है। पापा मैं ना सिलेक्ट हो गई हूँ भारत की हॉकी टीम में खेलने के लिए। अरे वाह, ये तो बहुत ही खुशी की बात है मेरे बच्चे, फिर मेरी गुड़िया का है परेशान है? पापा मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा आगे की प्रैक्टिस के लिए। माँ जो सारी बात सुन रही होती है जोर से चिल्लाती है। एक पैसा नहीं है मेरा पास, समझे, कुछ नहीं दूंगी। शादी के लिए लड़का फाइनल भी कर दिया है, कल्ले का बेटा, वो शादी कर लेगा तुमसे। सपना पिता की ओर देखती है। अरे देख सपना, खेलने दिल्ली जाना है तो सिर्फ इसी शर्त पे कि आकर कल्ले से बेटे से चुपचाप शादी कर लेगी, बोल। अरे ठीक है ना, कल्ले का बेटा तो बहुत ही समझदार है, सरकारी नौकरी है उसकी, मान गया वो तो सपना शादी कर लेगी। सपना भी धीरू जो कि कल्ले का बेटा था उसे जानती थी, वो मन ही मन सोचती है कि शादी तो वैसे भी होनी है, लेकिन माँ की ये शर्त मान गई तो जीवन जीने का एक मौका तो जरूर मिलेगा। हाँ हाँ मुझे मंजूर है। तो कल मैं उन लोगों को बुला लूँ। पिता और सपना दोनों एक दूसरे को देखते हैं। अब माँ ठीक है ना, बुलाने की क्या जरूरत है, वो लोग पसंद कर रहे हैं ना मुझे, वही ठीक है, बस आप तो मेरा दिल्ली का बैग पैक कर दो। सपना दिल्ली जाती है दिल्ली टीम के लिए खेलने के लिए। सपना खूब अच्छा खेलती है और गोल्ड मेडल जीत कर आती है। जब वो गांव आती है तो उसका जोरदार स्वागत होता है, हर कोई सपना सपना चिल्ला रहा होता है। और सपना के पापा, तुम्हारी बेटी ने तो गांव का नाम रोशन कर दिया है, गांव की तरफ से तुम लोगों को गांव में पक्का मकान और सपना को परिषद में पक्की नौकरी देने के लिए हम तैयार हैं। अरे वाह वाह, पक्का मकान, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सपना की नौकरी नहीं चाहिए हमें। हाँ कैसी बात कर रही हो सपना की माँ, लड़की की नौकरी रहेगी तो अपने पैरों पर खड़ी रहेगी, किसी के आगे झुकने की जरूरत ना पड़ेगी। अरे चुप रहो, हम तो नौकरी ना करते हैं पर मजाल है कि किसी के आगे झुके हो, ना ना हमारी बेटी नौकरी नहीं करेगी। पिता लाख समझाते हैं लेकिन माँ नहीं मानती।
और फिर वो दिन भी आ जाता है जब सपना को अपने कहे अनुसार लड़के से शादी भी करनी पड़ती है ससुराल में। ए बहू, तू रोज रोज सुबह कहाँ जाती है? घर का सारा काम निपटा कर कहाँ भागती है? माँ का घर तो पास ही है, वहीं निकल जाती है क्या? नहीं माँ जी, मैं हॉकी खेलने जाती हूँ, मुझे खेलना पसंद है। खेलना पसंद है? अरे कैसी बात कर रही है बहू, शादी के बाद तो कोई लड़की खेलती फेलती नहीं है, वो घर का काम काज देखती है। सपना कुछ नहीं कहती। वो एक रोज कमरे में अपनी अलमारी ठीक कर रही होती है कि तब सुनो, वो जो लटक रहा है ना, क्या बोलते हैं उसे, मेडल। सपना पति की बात सुनकर खुश हो जाती है, उनके पास जाती है। मैं सोच ही रही थी कि तुमने कभी पूछा क्यों नहीं, ये मेडल है, मैंने जीता है। पता है हॉकी में बड़ा मैदान, बहुत से लोग, दो टीम और फिर शुरू होता है जुनून। पता है लगता है जैसे बस जिंदगी यही है, खेलते रहो, भागते रहो, दौड़ते रहो और लक्ष्य को पालो। सुनो ना, मैं ना भारतीय टीम के लिए खेलना चाहती हूँ। माँ, माँ, ए माँ, यहाँ तो आ जरा। सपना हैरान हो जाती है कि ये क्या हो गया, पति अचानक से माँ को क्यों बुला रहा है। हाँ बेटा, क्या क्या हो गया, काहे गला फाड़ रहे हो? माँ ये सपना क्या कह रही है? अरे बीवी तो बोलती ही रहती है बेटा, लेकिन क्या हो गया, चिल्ला क्यों रहे हो, ऐसा क्या बोल दिया इसने? माँ ये बोल रही है कि इसको खेलना है भारतीय टीम के लिए। सपना डर जाती है। नहीं नहीं माँ जी, मैंने कहा कि मैं चाहती हूँ कि वो मैं बोला था ना, शादी के बाद कोई खेलता नहीं, घर का काम काज देखता है, लेकिन फिर भी। नहीं नहीं माँ जी, ठीक है, मैं घर का काम देखूंगी, कल से मैं खेलने भी नहीं जाऊंगी, माफ कर दीजिए। सपना पति की तरफ देखती है जो माँ की तरफ देख रहा होता है। उसे गुस्सा तो आता है, लेकिन करती भी तो क्या, सास के सामने कैसे पति की क्लास लगाती। अरे बेटा, अब क्यों घूरे जा रहे हो बहू को? माँ अभी इस बात का फैसला करके जाना, वरना ये तो तेरे कमरे से जाने के बाद मुझे। अब चुप हो जाइए आप, छोटी सी बात का बतंगड़ मत बनाइए। छोटी सी बात बहू, ये कोई छोटी बात नहीं है, जो लड़की दिल्ली के लिए गोल्ड मेडल ला सकती है, वो देश के लिए भी तो गोल्ड ला सकती है ना। हम लोगों को किसी चीज की कमी नहीं है बहू, घर का काम तो कोई भी कर लेगा, लेकिन देश का नाम रोशन करने के लिए सपना चाहिए। जा बहू, तेरी ट्रेनिंग का सारा इंतजाम तेरे पति ने कर दिया है, जा खेल और देश का नाम रोशन कर। सपना की आंख में आंसू आ जाते हैं। वो सोचती है कि बेटियों को मायके के साथ अगर ससुराल में भी सहयोग मिले तो ऐसा कोई काम नहीं जो वो नहीं कर सकती है।